जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बाकी की स्टेट पीएससीज होती है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ रेलवेज़, बैंक की जो एग्ज़ाम होती है ग्रुप सी ग्रुप डी, उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें मैंने 11 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं और आपके सामने ऐसे वीडियोस लेकर आऊँगा जिसमें मैं एक लेक्चर में 50 क्वेश्चंस जो है जीके के ये कवर करूँगा। तो अगर आपको ऐसे लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूँगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दी पीरियोडिक टेबल। तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? ए 108, बी 118, सी 123 या फिर डी 111। तो आपको जो एलिमेंट्स हैं वो कितने होते हैं ये बताना है। तो देखिए, जो पीरियोडिक टेबल होता है वो स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से। एच आएगा, उसके बाद एल आई आएगा, उसके बाद एन ए आएगा, उसके बाद के आएगा, उसके बाद आर बी आएगा, उसके बाद सी एस आएगा, उसके बाद एफ आर आएगा। तो इस तरीके से आपको पीरियोडिक टेबल जो है वो फर्स्ट रो जो है वो देखने को मिलेगी। तो सबसे लाइटर होता है हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पर 1 आएगा। और उसी के साथ आप साइड में अगर आप देखोगे तो दूसरा जो लाइटर एलिमेंट आता है वो है हीलियम। उसके साथ साथ यहाँ पर नियॉन आएगा, फिर उसके बाद ए आर आएगा, फिर उसके बाद के आर आएगा, उसके बाद एक्स ई आएगा, उसके बाद आर एन आएगा। तो इस तरीके से आपको जो पीरियडिक टेबल है ये फर्स्ट एंड लास्ट यहाँ पर मैंने आपको बताया है जो रोज़ होते हैं वो। और उसी के साथ साथ अगर आप 118वां एलिमेंट देखोगे तो वो आएगा ओ जी, जो कि लास्ट एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर जो पीरियडिक टेबल है उसका लास्ट एलिमेंट कितने एलिमेंट्स होते हैं टोटल? तो इसका जवाब रहेगा बी 118। टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं पीरियडिक टेबल में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको पता रहना चाहिए कि पीरियडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं। ये आपको पता रहने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये नहीं भी पता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट जो है ये पता रहना ज़रूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आ रहा है हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ मूवी बाहुबली। अब देखिए, कोई भी एग्ज़ाम में ऐसी मूवीज़ के बारे में पूछा जाता है जो काफ़ी न्यूज़ में रहती है या फिर कलेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा किया हुआ होता है। अब बाहुबली जो है उसके दो पार्ट्स आए हैं। पहले पार्ट में क्वेश्चन निकला था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा है, उसका ही जवाब हमें सेकेंड पार्ट में देखने को मिलता है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो ये जो मूवी है इसने बिजनेस भी काफ़ी अच्छा खासा की थी और काफ़ी न्यूज़ में रही थी। तो यहाँ पर आपको इनके जो डायरेक्टर है वो बताना है कि डायरेक्ट किसने की थी ये मूवी। तो देखिए, किसी मूवी में प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, एक्टर्स होते हैं। तो प्रोड्यूसर वो होते हैं जो पैसे लगाते हैं, डायरेक्टर वो होते हैं जो मूवी को डायरेक्ट करते हैं, किस तरीके से एक्टर को परफॉर्म करना है वो होता है, और एक्टर्स वो होते हैं जो एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टर बताना है बाहुबली मूवी के कौन है। तो यहाँ पर जो डायरेक्टर है उनका नाम है एस राजमौली। तो इन्होंने बाहुबली मूवी जो है वो डायरेक्ट की है। संजय लीला भंसाली आपने नाम सुना होगा, इन्होंने दो काफ़ी खूबसूरत और ऐतिहासिक मूवीज जो है जैसे पद्मावत, उसी के साथ साथ बाजीराव मस्तानी, रिसेंटली ये दो डायरेक्ट की है, जिन्होंने बिजनेस भी काफ़ी अच्छा खासा किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर हिज वर्क ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ इफेक्ट नेम्ड आफ्टर हिम हु गॉट द नोबेल प्राइज इन 1930। तो आपको ऐसे साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है 1930 में, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर उनकी जो डिस्कवरी है वो भी उनके नाम पर ही रखी गई है। तो रिसेंटली केबीसी में भी इस तरह के क्वेश्चन आया था कि ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जो ओशन में जा रहे थे, वहाँ पर उन्होंने कुछ डिस्कवरी की और उस डिस्कवरी का नाम उनके ही नाम पर रखा गया है, और उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है 1930 में। तो आपको जो साइंटिस्ट है उनका नाम बताना है। ए सी वी रमन, बी श्रीनिवास रामानुजन, सी होमी भाभा या फिर डी मैडम क्यूरी। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है ए सी वी रमन। आपने रमन इफेक्ट के बारे में सुना होगा। जो सी वी रमन है वो ओशन में जा रहे थे, वहाँ उन्हें क्वेश्चन आया कि जो ओशन का कलर है वो ब्लू क्यों नज़र आ रहा है। वहीं से यहाँ पर उन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट से जो रमन इफेक्ट है उसकी खोज की। तो इसका जवाब है ए सी वी रमन। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि फराज इज़ द सन ऑफ मिहिर, मोहन इज़ मिहिर्स फादर, देन हाउ इज़ राज रिलेटेड टू मोहन। तो यहाँ पर देखिए, राज ये सन है मिहिर के,
और जो मोहन है वो मिहिर के फादर है। तो यहाँ पर राज और मोहन किस तरीके से रिलेटेड है, तो यहाँ पर राज के जो फादर है उनके फादर है मोहन। मतलब यहाँ पर मोहन और राज में क्या कनेक्शन हुआ, तो ये हुए ग्रैंडसन। तो इसका जवाब रहेगा सी, ग्रैंडसन। काफ़ी आसान सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द लॉन्गेस्ट प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। तो यहाँ पर जो विलियम शेक्सपियर है उनके जो पॉपुलर प्लेज है वो आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उनके बारे में क्वेश्चंस निकलते हैं। तो ओथेलो, हेमलेट, ये अक्सर न्यूज़ में रहते हैं। तो आपको जवाब है वो बताना है ए ओथेलो, बी कोरियोलनस, सी रिचर्ड III या फिर डी हेमलेट। तो जो लॉन्गेस्ट प्ले है विलियम शेक्सपियर का उसका नाम है डी हेमलेट। तो अभी कुछ साल पहले शाहिद कपूर की एक मूवी भी आई थी जो हेमलेट ये प्ले पर ही बेस्ड थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रीच द माइलस्टोन ऑफ 2 बिलियन यूजर्स इन जून 2017 में ऐसा कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने 2 बिलियन यूजर्स का जो माइलस्टोन है वो रीच किया है। तो आपके ऑप्शंस है ए ट्विटर, बी इंस्टाग्राम, सी फेसबुक या फिर डी व्हाट्सएप। तो इसका जवाब है वो है सी फेसबुक। जो फेसबुक है वो 2017 में 2 बिलियन यूज़र्स का जो माइलस्टोन है फेसबुक ने रीच किया है। तो काफ़ी बड़ा माइलस्टोन हो गया है ये, काफ़ी ज़्यादा लोग फेसबुक से कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप। अब यहाँ पर आपको बताना है कि टेलीस्कोप जो है वो इन्वेंट किसने किया हुआ है। ए हैंस लिपर्शे, बी गैलीलियो, सी कैपलर या फिर डी आर्किमिडीज। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है आपको गैलीलियो के साथ, क्योंकि गैलीलियन टेलीस्कोप जो है उसका नाम आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर इसका जवाब जो है वो बी गैलीलियो नहीं है बल्कि हैंस लिपर्शे है। क्योंकि जो गैलीलियन टेलीस्कोप है इन्होंने मॉडिफाई किया था, मतलब काफ़ी ऐसे मल्टीपल टेलीस्कोप लगाए थे, उसके बाद जो मॉडिफिकेशन था उसका नाम था गैलीलियन टेलीस्कोप, लेकिन जिन्होंने इन्वेंट किया है टेलीस्कोप को उनका नाम है हैंस लिपर्शे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि आफ्टर ज्योति बासु हु हैज़ हेल्ड द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो यहाँ पर हमें सीधे तरीके से पता चलता है जो चीफ मिनिस्टर है लॉन्गेस्ट टाइम के लिए उनका नाम है ज्योति बासु। तो ज्योति बासु के बाद कौन से ऐसे चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने लॉन्गेस्ट टाइम के लिए अपना जो कार्यकाल है ऑफिस है वो संभाला है। इन्होंने 5 कंसेक्यूटिव टाइम्स जो ऑफिस है चीफ मिनिस्टर का वो संभाला है। मतलब अगर आप देखोगे तो 1994, 1999, 2004, 2009 और 2014, इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो 5th कंसेक्यूटिव टाइम इन्होंने चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो संभाला है। और 2009 में सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली में इनके 32 के 32 सीट्स यहाँ पर इनकी पार्टी को मिले थे। इनकी पार्टी का नाम है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो अब आपको नाम पता चल गया होगा इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है पवन कुमार चैमलिंग। तो पवन कुमार चैमलिंग जो है 5th कंसेक्यूटिव टाइम यहाँ पर चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो संभाल रहे हैं, और ज्योति बासु के बाद ये लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। और अगर हम 2014 की बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली में इनके 22 सीट्स आए हैं 32 में से। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती है इनकी जो पार्टी है वो, और जो सिक्किम है उसे ऑर्गेनिक स्टेट का भी दर्जा दिया गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अरेंज दीज नोट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज A5, B20, C100, D500। तो अगर आप देखोगे तो 5 रुपये की नोट जो है वो सबसे छोटी होती है, उसके बाद 20 रुपये की नोट आती है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो 500 की जो नई नोट है वो 100 रुपये की नोट से छोटी है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं सबसे छोटी से लेकर बड़ी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आएगा 5 रुपये की नोट सबसे पहले, फिर आएगा 20 रुपये की नोट, फिर आएगा 500 की नोट, फिर आएगा 100 रुपये की नोट। तो ABDC। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डी ऑप्शन में आपको ABDC नज़र आएगा। तो इसका जवाब रहेगा डी ABDC। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्कल। जो ह्यूमन का स्कल है उसमें कितने बोन्स होते हैं। देखिए मोस्टली पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं, लेकिन अब वो इतना कॉमन क्वेश्चन हो गया है कि यहाँ पर अब आपको बॉडी पार्ट जो है उसके भी बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। काफ़ी स्टेट PSCs होती है जिसके साइंस पार्ट में ऐसे जो क्वेश्चंस है वो बन सकते हैं। तो यहाँ पर हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्कल, इसका जवाब आपको देना है A21, B22, C25, D34। तो इसका जो सही जवाब है वो है B22।
आपको ह्यूमन स्कल में 22 बोन्स नजर आएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, विच इज द टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड नोन टू मेट विथ अ सिंगल पार्टनर फॉर लाइफ। तो आपको यहाँ पर टॉलेस्ट फ्लाइंग सिंगल बर्ड के बारे में बताना है। जो बर्ड है वो टॉलेस्ट फ्लाइंग है, उसी के साथ साथ ये जाना जाता है टू मेट विथ अ सिंगल पार्टनर फॉर लाइफ। ये जो बर्ड है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, उसी के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया में भी पाया जाता है, उसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। इसकी जो हाइट है वो 1.8 मीटर मतलब 5 फीट 11 इंचेस के आसपास होती है, मतलब काफ़ी टॉल होता है ये, इसलिए इसे टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड कहा जाता है। तो इसका जो नाम है वो है ए सरुस क्रेन। तो ये लार्ज नॉन माइग्रेटरी क्रेन है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया, उसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इसका जवाब है ए सरुस क्रेन। तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस है वो ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपके सामने और ज़्यादा क्वेश्चंस इस तरीके के लेकर आऊँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।